हेलो दोस्तों, मैं सिर्फ श्रीनिवास मराठे, मोटिवेशनल स्पीकर, माइंड शिफ्ट ट्रेनर और आपका अपना दोस्त। दोस्तों, बहुत बार आपने यह सुना होगा कि हम ही हमारी ज़िंदगी के एक्टर है, क्रिएटर है, डायरेक्टर है और प्रोड्यूसर है। मतलब जैसा हम करेंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। मतलब हम ही हमारी ज़िंदगी को बिगाड़ते हैं और हम ही हमारी ज़िंदगी को सुधार सकते हैं, क्योंकि जैसा कर्म होता है वैसा ही फल हमें मिलता है। और बहुत बार आपने ये भी सुना होता है कि सब कुछ उसी के हाथ में होता है, वही करता है और वही करवाता है। क्योंकि कहीं पर दुनिया में कुछ एक्सट्रीम लेवल पे बुरा घटित होता है, बहुत सारी लोगों की जान जाती है, तो लोग तुरंत ऊपर वाले को कोसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि भगवान है या नहीं, अगर वो होता तो इतना बुरा कैसे हो सकता है। उसके अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह निर्माण करना शुरू कर देते हैं। मतलब अभी तक वो यह मान रहे थे कि उसी की वजह से सब कुछ होता है। और हमारे मन में भी ये सवाल आता है कि रियलिटी क्या है, कि जैसा हम करते वैसे हमें प्राप्त होता है या फिर सब कुछ वही करता करवाता है। और यही सवाल स्वामी विवेकानंद जी से एक बार उनके शिष्य ने पूछा। उनके शिष्य ने उनसे पूछा कि स्वामी जी, आप कहते हो कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा, और दूसरी तरफ आप भगवान को भी मानते हो, उसके ऊपर भी आप विश्वास करते हो, और हमारे जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी, वो तो काली के भक्त थे, वो तो कहते थे कि उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो ये दोनों बातें परस्पर विरोधी नजर आती है, तो सही क्या है? तो स्वामी जी ने उनको बहुत बेहतर तरीके से समझाया। स्वामी जी ने उनको कहा कि आप एक काम करो, आपका जो राइट पैर है वो उठा के रखो। और जैसे उनके शिष्य ने राइट पैर उठा के रखा, तो स्वामी जी ने कहा कि आपका जो लेफ्ट पैर है वो भी उठाइए। तो उनके शिष्य कहने लगे कि स्वामी जी, अब मैं लेफ्ट पैर नहीं उठा सकता, अब वो मेरे बस में नहीं है। राइट पैर मैं उठा सकता था, लेकिन अब मैंने राइट पैर उठा लिया है तो मैं लेफ्ट पैर कैसे उठा सकता हूँ, वो तो अब मेरे बस में नहीं रहा। तो स्वामी जी ने उनसे कहा, एग्जैक्टली लाइफ में यही होता है, पहला कदम उठाने की स्वतंत्रता पूरी तरह से हमारे पास होती है। आप जिस दिशा में चाहो उस दिशा में आप कदम उठा सकते हो, आप गलत दिशा में उठा सकते हो या फिर सही दिशा में उठा सकते हो, उसकी स्वतंत्रता पूरी तरह से आपके पास है। लेकिन फिर उसके बाद कुदरत जो है चार्ज अपने हाथ में ले लेती है। फिर उस पहले कदम की वजह से जो कॉन्सिक्वेंस होने वाले थे उसे हम बदल नहीं सकते। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट मम्मी पापा को चीट करते हैं पढ़ाई के नाम पर। वो कहते हैं हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के नाम पर कुछ और ही कर रहे होते हैं। वो वीडियो गेम खेल रहे होते हैं या कुछ और काम कर रहे होते हैं। तो जो स्टूडेंट ऐसा करते हैं उनको एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि आप बहुत आसानी से मम्मी पापा को चीट कर सकते हो। पढ़ाई के नाम पर आप कुछ और ही नॉन क्रिएटिव काम करो, लेकिन उसके बाद जो उसका कॉन्सिक्वेंस होगा उसे आप रोक नहीं सकते। चीट करना आपके हाथ में है, आपके बस में है, लेकिन उसका जो कॉन्सिक्वेंस आएगा वो आपके बस में नहीं है। उससे जो नुकसान आपको होने वाला है वो आपके बस में नहीं है। उसी तरह से शरीर को तंदुरुस्त रखने के बारे में है। बहुत सारे लोगों को ये पता होता है कि सुबह जल्दी उठकर हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए या फिर योगा करना चाहिए और शरीर को तंदुरुस्त रखना चाहिए, लेकिन वो सुबह उठते नहीं है, आलसी की जैसे लेटे होते हैं। यस, ये स्वतंत्रता आपके पास है। आप बिल्कुल सुबह आलसी की जैसे लेटे रह सकते हो, लेकिन दोस्तों अगर हमने शरीर को हेल्दी रखने के लिए समय नहीं निकाला तो फिर बाद में हमें बीमार रहने के लिए समय निकालना पड़ता है, फिर वो हमारे बस में नहीं है, तो उसके बाद कुदरत जो है चार्ज अपने हाथ में ले लेती है। दोस्तों, मैं कामना करता हूँ कि आप बहुत खुश रहो और बहुत सक्सेसफुल रहो। मेरा फेसबुक पेज है, उसे ज़रूर फॉलो करना, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरे सारे अपडेट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर क्लिक कर देना, क्योंकि कंटिन्यूस एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट ये जो वीडियो सीरीज लेकर आया हूं मैं यूट्यूब पर, इस वीडियो सीरीज का एक बहुत पावरफुल टॉपिक बहुत जल्दी से आपके सामने लेकर मैं हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया।